किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। मैं हिंदीमय की ओर से गौरव जैन आज की जन्मदिन विशेष श्रृंखला में लाया गया हूँ अहमद फराज साहब। तो आज मैं आपको उनकी सुनाऊंगा एक रचना, जो कुछ यूँ है कि सुनिएगा। रोग ऐसे भी गमे यार से लग जाते हैं, रोग ऐसे भी गमे यार से लग जाते हैं, दर से उठते हैं तो दीवार से लग जाते हैं, दर से उठते हैं तो दीवार से लग जाते हैं। इश्क आगाज़ में हल्की सी खालिश रखता है, इश्क आगाज़ में हल्की सी खालिश रखता है, बाद में सैकड़ों आजार से लग जाते हैं, बाद में सैकड़ों आजार से लग जाते हैं। और आगे सुनिएगा कि पहले पहले हवस, पहले पहले हवस एकाध दुकान खोलती है, पहले पहले हवस एकाध दुकान खोलती है, फिर तो बाजार के बाजार लग जाते हैं। बेबसी भी कभी कुर्बत में शब्द बनती है, रो ना पाएँ तो गले यार से लग जाते हैं, रो ना पाएँ तो गले यार से लग जाते हैं। कतरने गम की, कतरने गम की जो गलियों में उड़ी फिरती हैं, कतरने गम की जो गलियों में उड़ी फिरती हैं, घर में ले आओ तो अंबार से लग जाते हैं, घर में ले आओ तो अंबार से लग जाते हैं। और आगे सुनिएगा कि दाग दामन के हों, दाग दामन के हों दिल के हों कि चेहरे के फराज, दाग दामन के हों कि दिल के हों कि चेहरे के फराज, कुछ निशा उम्र की रफ्तार से लग जाते हैं, कुछ निशा उम्र की रफ़्तार से लग जाते हैं। आज के जन्मदिन विशेष के मकबूल शायर थे अहमद फराज साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हिंदी में हो, हम ऐसी कामना करते हैं।